फ्यूजन मतलब सी फीजन व्हेन अ हेवी न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियर व्हेन अ हेवियर न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू टू लाइटर न्यूक्लियर इट इज फ्यूजन फीजन मतलब एक बड़ा यूरेनियम स्प्लिट हो जाएगा क्रिप्टॉन एंड बेरियम में। मतलब एक सिंपल लोकल भाषा में एक का दो टुकड़ा दैट इज कॉल्ड फ्यूजन। फ्यूजन व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियर कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। उल्टा एग्जैक्टली उल्टा व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस एग्जैक्टली उल्टा। अलोंग विथ बोथ इन बोथ द केस देर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। आई रिपीट इन बोथ द केस देर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी। देर इज नो सेकेंड थॉट ओवर इट। नेक्स्ट इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट। इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट यहां पे ऐसा नहीं है। ओके द वेस्ट आर नॉट रेडियो एक्टिव वेस्ट आर नॉट हार्मफुल द रेडियो एक्टिव वेस्ट आर नॉट हार्मफुल और नॉट हार्मफुल। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज टेम्परेचर। फॉर द फीजन टू अकर वी नीड अ वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। ओके एंड फॉर फ्यूजन टू अकर फॉर उल्टा आई टोल्ड एग्जैक्टली रिवर्स इट इज। ओके या वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर इट रिक्वायर्स अ हाई टेम्परेचर इट रिक्वायर्स टेम्परेचर अराउंड 10^6 केल्विन 10^6 केल्विन 10^6 कितना हुआ? बहुत बड़ा हुआ। वेरी वेरी हाई। वी कैन राइट बोथ एटलीस्ट वी शुड नो एटलीस्ट आई रिपीट एटलीस्ट वी शुड नो बोथ का वन वन एग्जाम्पल। क्या पता वन मार्क के लिए एग्जाम्पल ही पूछ ले। सो वी विल ट्राई टू नो वन मार्क के एग्जाम्पल ऑफ फीजन एंड फ्यूजन। या सो हियर वी विल टेक वन एग्जाम्पल ऑफ यूरेनियम। वी टेक वन एग्जाम्पल ऑफ यूरेनियम स्प्लिटिंग इंटू क्रिप्टॉन एंड बेरियम। इट इज बेटर यू रिमेम्बर इट। यूरेनियम 92-235 एग्जाम्पल यू कैन राइट प्लस वन न्यूट्रॉन। ओके यूरेनियम इज देयर न्यूट्रॉन आके यूरेनियम को हिट करेगा तो इट गिव्स क्रिप्टॉन एंड बेरियम बट आई डोंट रिमेम्बर द वैल्यूज। ओके 56 बेरियम 141 एंड 36 क्रिप्टॉन 92 बट यू हैव टू रिमेम्बर प्लस थ्री न्यूट्रॉन्स प्लस एनर्जी। एनर्जी को क्यू भी बोल सकते हैं ई बोल या क्यू बोल। यह है थर्ड फोर्थ डिफरेंस। मतलब दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। यूरेनियम विथ न्यूट्रॉन विल ब्रेक मीन एग्जैक्टली क्या होता है टोल्ड इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग बाइंडिंग एनर्जी कर्व कॉन्सेप्ट दैट टाइम वी हैड डिस्कस्ड हाउ डज अ फीजन एंड अ फ्यूजन अकर्स।
दैट टाइम आई हैड टोल्ड यू। तो यहां पे क्या होता है, यूरेनियम है, शांत बैठा है, न्यूट्रॉन इज हिट न्यूट्रॉन इज हिट टू यूरेनियम, देन यूरेनियम स्प्लिट्स इनटू क्रिप्टॉन एंड बेरियम, क्रिप्टॉन बेरियम एंड थ्री न्यूट्रॉन्स। सो यू नो वेरी वेल दिस इज अ चेन रिएक्शन, एक का तीन, तीन का नौ, नाइन का 27, 27 का 81 एंड इट गोज ऑन ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्रिप्टॉन एंड बेरियम एंड ऑल हाउ इट हैपेंस। कमिंग टू फ्यूजन इज डन, कमिंग टू फ्यूजन हाउ डज फ्यूजन अकर्स। फ्यूजन में टू हाइड्रोजन कंबाइन टू गिव हीलियम, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग हियर। देयर आर डिफरेंट प्रोटॉन साइकिल, देयर आर डिफरेंट साइकिल्स हियर, बट वन टिपिकल एग्जांपल आई एम जस्ट सर्चिंग वेयर टू हाइड्रोजन कंबाइंस टू गिव हीलियम, देयर आर मेनी डिफरेंट रिएक्शंस हियर। होल्ड ऑन, 1H2 and 1H2 will give me 3H. One minute, final reaction we want where we get helium. Finally we should get helium. There are many different reaction in this. Okay, proton cycle mein bahut sare alag alag reaction hai. Theek hai, ye likh le sakte ho, 1H2 प्लस 1H2 कंबाइंस टू गिव HE2 3। 1H2 प्लस 1H2 कंबाइंस टू गिव HE2 3 प्लस न्यूट्रॉन 0 1। दिस इज वन ऑफ द फ्यूजन रिएक्शन। मतलब क्या फ्यूजन, यानी क्या देख, फ्यूजन यानी दो लाइट न्यूक्लियर। सी आई हैव नॉट रिटन द हायर, आई हैव रिटन सी व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियर combines to form a nucleus, they combine to form helium, दो का एक हो जाता है वो है fusion, and यहां पे एक का दो हो जाएगा ये है fission। As I told you during those time, I remember telling you the story also that this was the bomb that was tested on Hiroshima and Nagasaki, and then after decades, recently one decade back, somewhere around 2008-9-10 नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन फादर मर, ऐसा बोलते हैं, कंफर्म सोर्सेस नहीं है, बट दे टेल दैट फादर मरने के बाद मारा, फादर को उसने मारा, उसके ब्रदर को भी उसने मारा, एंड ही टुक द एंटायर कंट्री अंडर हिम, एंड रियल डेटा, ऐसा इंफॉर्मेशन अराउंड अक्रॉस प्रिवेलिंग है, एंड देन ही टेस्टेड अ हाइड्रोजन बॉम्ब। दिस इज अ हाइड्रोजन बॉम्ब। जस्ट टू टेल यू एडिशनल पॉइंट्स, अ हाइड्रोजन बॉम्ब इज 1000 times मोर डिस्ट्रक्टिव देन अ यूरेनियम बॉम्ब। सो ही मेड अ फ्यूजन बॉम्ब एंड यू नो वेरी वेल, आई टोल्ड यू द इट रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 10^6 केल्विन। मतलब ही वेंट ऑन, ही हैज सच अ टेक्नोलॉजी, इवन वी नाउ तो एवरीबडी नोज दैट इज अ डिफरेंट थिंग, but he has such a technology that he went on to reach this temperature, 10^6 Kelvin. 10^6 Kelvin reach hoga, tab jaake ye reaction hoga, tab jaake 10^6 Kelvin reach hoga, tab jaake ek hydrogen aur ek hydrogen milega aur helium banega, nahi to nahi hoga. So to imagine kis level pe he has gone to do. So this is what he has done, and then he went on testing different further. Lots of sanctions were put on those country or on that country by UNO, and then it was very difficult for them whether they should test, continue their test. I know he challenged Donald Trump and many things, political drama happened and all that. Well, anyways, now he's shant, now he is not doing anything. But one example I will give you, he had tested the last bomb when he tested in South China Sea mein he tested this bomb, and China tak uska bhukamp aaya, earthquake. To imagine pani ke andar ka bomb pani ke andar jaake hit kiya, okay, aur uska effect earth tak aaya, wo bhi China tak aaya, earth hila. Matlab imagine kar
अगर वो अर्थ पे टेस्ट करेंगे ये बॉम्ब टेस्ट, अब तक तो हिस्ट्री में ह्यूमन मैनकाइंड में कभी अर्थ पे बॉम्ब फेंका नहीं गया है इन वॉर्स, इट इज बैंड, यू कैन नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स इन वॉर्स, यू कैन गो फॉर वॉर, वॉर तो करना नहीं है, बट अगर वॉर होता है तो भी यू कैन नॉट यूज न्यूक्लियर बॉम्ब्स, दैट इज बैंड एज पर यूएनओ. ओके एनीवेज, दैट वॉज डन बाय यूएसए ऑन जापान. That was a different story during those time when we didn't have UNO. That led to the formation of UNO in 1945-46. What you must have studied in SST. This is how things are. Okay. So this is fusion, fission, and this is fusion. ये सारे bombs हैं. And ये थोड़ा सा एक दो differences मैंने बताए तुझे. Okay. Clear to you all? Concept okay?